सेशन में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था, आज हम आर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के बारे में एंड देन एलिप्स के बारे में। सो सबसे पहले हम आर्क, रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन देख लेते हैं, आफ्टर दैट हम आर्क एक बार ड्रॉ करना देखेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल विद डायमेंशन, विदाउट डायमेंशन ड्रॉ करने के लिए आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करिए। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आपको कमांड बताएगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपको देना। तो मैंने एक फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक किया, जैसे ही आप फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करते हैं वो बोलता है स्पेसिफाई अनदर कॉर्नर पॉइंट, एक और सेकेंड वन अनदर सेकेंड अनदर कॉर्नर पॉइंट आपको देना है। इट मीन्स जस्ट अपोजिट कॉर्नर पॉइंट अगर आप रेक्टेंगल के लिए देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट विद डायमेंशन अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो अगेन फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप दीजिए। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देने के बाद आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे ऑप्शन आ रहा है, या तो आप एरिया के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर डायमेंशन के थ्रू, या फिर रोटेशन के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल डायमेंशन के लिए ड्रॉ करने के लिए डायमेंशन के पे क्लिक करें, या फिर कीबोर्ड से डी एंटर अगर आप करते हैं तो फिर वो डायमेंशन सेलेक्ट कर लेगा। ओके, जैसे ही आप डायमेंशन पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इट मीन्स उसे एक लेंथ, आपको एक लेंथ पुट करना है, एक लेंथ की वैल्यू पुट करनी है। लेंथ की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं अगर 10 पुट करती हूँ, 10 मैंने दिया, 10 एंटर। आफ्टर दैट जैसे ही आप लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं आपको वो बोलता है विड्थ स्पेसिफाई विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, इट मीन्स एक विड्थ आपको रेक्टेंगल को एक विड्थ देना है। फॉर एग्जाम्पल विड्थ हम दे देते हैं 5 की वैल्यू मैंने दे दी। आप देखेंगे यहाँ पे रेक्टेंगल रोटेट करके देखिएगा 4 साइड्स पे आएगा, आपको जिस साइड पे चाहिए उस साइड पे क्लिक कर दीजिए। ये रहा आपका 10x5 का रेक्टेंगल। इसे मेज़र करने के लिए आप अगेन एनोटेशन में जाकर लीनियर पे जाइएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके आप पर ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 का लेंथ है एंड देन इसका विड्थ होना चाहिए 5। सो ये चेक कर लेते हैं एक बार, हम 5 का विड्थ है। क्लियर है। आप नेक्स्ट है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन किस तरह से ड्रॉ करें? पॉलीगॉन सबसे पहले आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करिए। जैसे आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले आप कर्सर के पास देखिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे देख सकते हैं एंटर द नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है, इट मीन्स आपको कितने साइड्स का चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ट्राइंगल बनाना है, परफेक्ट ट्राइंगल बनाना है डायरेक्टली, तो आप 3 साइड्स दे सकते हैं। 3 साइड्स मैंने दिया एंड देन प्रेस एंटर। जैसे आप 3 साइड देते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं आपको एक सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो आप एक सेंटर पॉइंट दीजिए और इनक्रेडिबल इन सर्कल पर क्लिक करिए। स्पेसिफाई रेडियस पूछेगा, आप देखेंगे किसी भी एंगल पे इसके पॉइंट्स जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं टिप एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए सो आप ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हैं। ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो देखेंगे आप टिप इसके एकदम एग्जैक्ट आ रहे हैं, तो हम अपर टिप्स पे ले लेते हैं। ये ड्रैग किया मैंने और इसको एक रेडियस प्रोवाइड करना है आपको। स्पेसिफाई कमांड प्रॉम्प्ट पे देखिए स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किट, फॉर एग्जाम्पल 5 का अगर हम रेडियस सॉरी 3 का अगर हम रेडियस देते हैं 3 एंड एंटर, 3 रेडियस का ये आपको क्या आ गया ट्राइंगल, 3 का ट्राइंगल रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीगॉन। अगेन आप लेंगे एंटर द नंबर ऑफ साइड्स अगेन है, फॉर एग्जांपल 5 का अगर हम 5 साइड्स हम लेते हैं, 5 साइड्स हमने लिया, 5 साइड्स एंटर करिए। फिर से अगेन हम एक सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, इनक्रेडिबल सर्किल क्लिक कर रहे हैं, एक रेडियस दीजिएगा, रेडियस अगेन मैं 3 देती हूँ एंड प्रेस एंटर। आप कोई भी रेडियस प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन पॉलीगॉन हम लेते हैं नंबर ऑफ साइड्स, फॉर एग्जांपल मैं 6 लेती हूँ, प्रेस एंटर करते हैं, एक सेंटर पॉइंट अगेन दीजिए, इनक्रेडिबल एंड सर्किल दीजिए। 6 साइड्स आप देखिए, 2 टाइप के 6 साइड्स आ रहे हैं। अगेन मैं रेडियस इसका देती हूँ 3 एंड देन प्रेस एंटर। 3 टाइप पॉलीगॉन्स से आप 3, 4, 5 जितने नंबर ऑफ साइड्स आप चाहते हैं उतने नंबर ऑफ साइड्स के आप पॉलीगॉन तो रेक्टेंगल बना ट्राइंगल बना सकते हैं। इससे आप एक परफेक्ट स्क्वायर बॉक्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ साइड्स अगर मैं 4 दे देती हूँ एंड प्रेस एंटर करती हूँ, एक सेंटर आप दीजिए, सेंटर देने के बाद इनक्रेडिबल एंड सर्किल, आप इसको अगेन 3 का रेडियस या 4 का रेडियस आप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 का या फिर 5 का रेडियस दिया एंड प्रेस एंटर, तो आप देखेंगे ये 4 का बस रेडी हो गया स्क्वायर बॉक्स 444। आप अगर चाहें मेज़र करना तो आप कर सकते हैं, देखिएगा इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 7.0711 है। तो अगेन नेक्स्ट साइड का भी वही होना चाहिए, हम देखेंगे लीनियर सर्कल की कॉर्नर पॉइंट टू एग्जिट कॉर्नर पॉइंट पे रखिएगा, ट्रैक करिए 7.0711। इट मीन्स 4 साइज
जो फोर साइड्स हैं इसके, 7 पॉइंट इक्वल हैं, फोर साइड्स इक्वल हैं, इसका जो रेडियस है, इसके जो सेंटर पॉइंट से जो रेडियस है वो आपका 5 है। ओके, नेक्स्ट आर्क, अबाउट आर्क हम देखते हैं।